यहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों की भगदड़ थी। उसी भीड़ में एक छोटा शेर का बच्चा था। ये भगदड़ जंगल के लकड़ बग्गों ने कराई थी, क्योंकि ये इनकी चाल थी। वो शेर का बच्चा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और ये लकड़ बग्गे सब देख रहे थे। वो एक छोटे से पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अब यहाँ पर उसी लड़के के पिता को एक शेर बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। वो जंगली जानवरों के भगदड़ के बीच फंसा हुआ है और इसका पिता दौड़कर उसकी तरफ जाता है। अब वो शेर का बच्चा वहाँ से निकलकर एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो शेर दौड़कर अपने बच्चे की तरफ जाता है। वो एक खतरनाक पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन ये एक बहादुर शेर था। वो उन जानवरों की भीड़ में कूद जाता है और जानवरों को डराते हुए अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, लेकिन जानवरों की भीड़ की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और उसका पिता दूर जाकर गिरता है। ऊपर से ये शेर सब कुछ देख रहा था। तभी वो अपने बेटे को दांत से दबाकर एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और फिर से वो शेर उन्हीं जानवरों की चपेट में आ जाता है। इसका बेटा घबरा जाता है और अपने पिता को देखने लगता है, लेकिन वो एक बहादुर पिता था। वो पहाड़ पर फिर से चढ़ने लगता है और आखिरकार वो ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर वही शेर था, वो इसी का भाई था। ये बहादुर शेर अपने भाई से ऊपर